चाह रही हूँ पालक पालक दाल, और इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो पालक और उसको इस तरह से काट लिया है। आप देख सकते हैं कि ये पतले पतले मैंने काटे हुए हैं, और इसको अब मैं कढ़ाई में बॉईल करूँगी, हल्का स्टीम दूँगी और तब इसको अच्छे से ग्राइंडर में पीसूँगी। तो चलिए पालक को बॉईल करते हैं कढ़ाई में, ताकि इसका रंग ख़राब ना हो। कढ़ाई में बॉईल करने से इसका रंग ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। तो इसके लिए ज़रा सा पानी डालो और पालक जो कटा हुआ है मेरा उसको इसमें डाल के करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चाह रही हूँ पालक दाल, और इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो पालक और उसको इस तरह से काट लिया है। आप देख सकते हैं कि ये पतले पतले मैंने काटे हुए हैं, और इसको अब मैं कढ़ाई में बॉईल करूँगी, हल्का स्टीम दूँगी और तब इसको अच्छे से ग्राइंडर में पीसूँगी। तो चलिए पीसा हुआ है अच्छे से, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, एकदम ग्रीन लग रहा है, क्योंकि इसको मैं स्टीम की हूँ कढ़ाई में। और इसके लिए ले रहे हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के पीस में कटे हुए हैं, 1 टमाटर, 1 लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक, ये मिर्ची 2-3 मिर्ची, गरम मसाला और कुछ फोरन में डालने के लिए लौंग, तेज़पत्ते और 2 छोटी इलायची, नमक, हल्दी और जीरा। और इसको मैं बनाने जा रही हूँ घी में बनाएंगे, गाय का घी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए 1 टेबल स्पून घी दिया है। जीरा जीरा डालेंगे, फिर लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, और प्याज डाल देंगे, लहसुन डालेंगे, टमाटर, मिर्ची, सबको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे घी में अच्छे से। हल्का भुनना है, सिर्फ प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसमें साग डाल के साग को भूनना है। आप जैसे दाल तड़का बनाते हैं वैसे ही इसमें घी में बनाएंगे, इसलिए ये भी पालक दाल ही है, तो दाल तड़का ही हुआ। जैसे दाल तड़का बनाने में छौंक लगाते हैं वैसे ही इसको भी छौंक लगाए हैं। अब साग डालेंगे, करीबन साग को भूनने में 5 से 10 मिनट लगेगा।
इसका जो हरापन है अगर कम भुनेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा, इसको अच्छे से थोड़ा भुनना है। पालक मेरा भुन गया अच्छे से, अब मैं इसमें दाल डाल लूँगी जो मैंने पहले से उबाल के रखा था नमक और हल्दी के साथ, चने की दाल। अब गैस को एकदम स्लो कर दें और गरम मसाला डाल दें, 5 मिनट इसको उबालेंगे फिर ऑफ कर देंगे। पालक बिल्कुल रेडी है। Yeah.